राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। विदिशा, देर शाम 6:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी विनायक वर्मा, कुरबई एसडीओपी प्रशांत सुमन और कुरबई टीआई राजेश सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर 48 घंटे पहले हुई कुरबई थाना क्षेत्र में लूट की एक वारदात का खुलासा किया। लूट की इस घटना में व्यापारी विनोद जैन को शिकार बनाया गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ कर ली। घटना को अंजाम देने में 5 से ज़्यादा आरोपी शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 6 लाख से ज़्यादा की राशि में से 5,10,000 की राशि जब्त कर ली है। 2 दिन पहले जो लूट हुई उसके बारे में बताएं। दिनांक 31 अक्टूबर को दोपहर के समय लगभग 1 बजे सिरोंज कुरवई रोड पर माला गांव के पास, जो कुरवई थाना क्षेत्र में आता है, वहां पर विनोद कुमार जैन, जो सूरज ट्रेडर्स के एम्प्लॉई हैं, वो अपने सेठ का पैसा लेकर कुरवई जा रहे थे, जब मोटरसाइकिल पर 2 लोगों द्वारा उनकी बाइक को किक किया गया और उनसे पास जो पैसे थे उसका बैग छीना गया। ये पैसे 6.5 लाख के थे और इस तरह से लूट की घटना घटित की गई। इससे काफ़ी सनसनी फैली और ये चुनौती के रूप में विदिशा पुलिस के सामने आया। इस घटना के बाद एसडीओपी कुरवई, टीआई कुरवई और एसएचओ पठारी के निर्देशन में टीम गठित की गई, जो इनके जांच पड़ताल में लग गई। सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई किया गया और फरियादी ने कन्फर्म किया कि यही व्यक्ति, 2 लोग जिनकी फुटेज आई है जो अज्ञात थे, उनके द्वारा घटना घटित की गई। ये उल्लेखनीय बात है, इस फोटो को जब हमने स्प्रेड किया पुलिस सर्कल्स में, तब सिरोंज थाने के 2 आरक्षक जितेंद्र शर्मा और ऋषिकेश जाटव द्वारा इन फोटोज़ को आइडेंटिफाई किया गया और इसके ज़रिए हम सबसे पहले अबरार तक पहुँचे। अबरार और शाहरुख, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पूर्व में जुए सट्टे प्रकरण में गिरफ्तार किए जा चुके थे, इसलिए इन आरक्षकों की पहचान में थे। इनके ज़रिए हम जुबेर तक पहुँचे। जुबेर जो है वो हमाली का काम करता था सूरज ट्रेडर्स के यहाँ, और उसी के द्वारा इस पैसे के मूवमेंट के बारे में बताया गया। इसके साथ ही हसीब, इनका जो साथी सिरोंज में है, उसको भी हमने हिरासत में लिया है। और शाहरुख की मदर कमला भी, जो पैसों को का मूवमेंट का काम देख रही थी, उसके खिलाफ भी हमने केस कायम किया है। उल्लेखनीय है कि 48 घंटे के अंदर एसडीओपी कुरवई के द्वारा टीम के निर्देशन में इस मामले का खुलासा किया गया। अभी तक इस मामले में 5,10,000 रुपये रिकवर हो गए हैं। जो बची हुई रकम है एफआईआर से, उसके लिए जांच पड़ताल चल रही है। संभावना है कि जो हमने आरोपी बताए उनने इस रकम को छुपा के रखा हो। हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे और रिमांड के दौरान हमें पूरा भरोसा है कि हम शत प्रतिशत राशि रिकवर कर लेंगे। विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।